बड़े सिंपल सवाल है। एक सवाल ये, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है? इस सवाल को अच्छे से देखिएगा। दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है? इसमें एस आई और सी आई दोनों का फंडा लगने वाला है। इट्स वेरी सिंपल, अगेन यू शुड नो द बेसिक्स। तो आपको क्या दिया है इस क्वेश्चन में, दैट केली बोरोड फ्रॉम रिची अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, ओके? देन केली लेंड दिस मनी टू रेक्सी एट द सेम रेट फॉर 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स केली रिसीव्ड ₹110 एज कंपाउंड इंटरेस्ट बट पेड ₹100 एज सिंपल इंटरेस्ट। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? चलो ठीक है, बच्चों ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है। तो प्रिंसिपल आएगा इसमें 250 और रेट आएगा 20%, ठीक है? तो बच्चे ने ऑलरेडी सॉल्व किया। तो देखो, बेसिक फंडा, सबसे पहले मैंने कहा था आपको क्या लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए गिवन, क्योंकि गिवन ही क्वेश्चन का जीवन है, मैं ऐसा बोलता हूँ बच्चों से, ठीक है? तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपसे क्या कहा है, देखो आपको ये समझना है दैट कैली बोरोड फ्रॉम रिची, ठीक है? तो आप एरो को ध्यान रखना कि कैरी ने पैसे लिए हैं, किससे पैसे लिए हैं, रिची से पैसे लिए हैं, ओके? और फिर कैली ने वो पैसे किसको दिए, इसको मैं ऐसा भी बना सकता हूँ। तो पहले रिची है, रिची ने पैसे दिए हैं कैली को, ठीक है, ओके? या कैली ने पैसे लिए हैं रिची से, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और फिर कैली ने वो पैसे किसको दिए, रेक्सी को दिए, ठीक है, ओके? तो इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर तीन लोग हैं, रिची, कैली और रेक्सी। सो कैली बोरोड मनी, ठीक है, इंग्लिश भी समझनी है आपने, कैली बोरोड फ्रॉम रिची, कैली बोरोड फ्रॉम रिची, ठीक है? एंड देन कैली लेंड द मनी टू रेक्सी, ठीक है? अब जो पहला वाला ट्रांसेक्शन है, द फर्स्ट ट्रांसेक्शन विच इज़ बिटवीन कैली एंड रिची, कैली और रिची के बीच का जो पहला ट्रांसेक्शन है, उसमें अगेन द सम ऑफ मनी रिची हैज़ गिवन टू कैली, सपोज दैट सम इज़ पी, ठीक है? दैट सम इज़ नथिंग बट पी, ओके? दैट इज़ नथिंग बट प्रिंसिपल, ओके? उसके बाद टाइम, कितने टाइम के लिए दिया, टाइम इज़ फॉर 2 ईयर्स, ठीक है? और एट सिंपल इंटरेस्ट, हाँ, ये जो फंडा है ये सिंपल इंटरेस्ट वाला है, एस आई में पहले लिख लेता हूँ, ठीक है? इसमें हम लोग जो भी फंडा लगाएंगे वो सिंपल इंटरेस्ट का फंडा लगेगा, ठीक है, ओके? अच्छा देन, ओके, तो ये कंडीशन दी है, ओके? रेट, रेट मैं अपनी मर्जी से ले लेता हूँ, रेट आर परसेंट सपोज, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं एस आई का फॉर्मूला लगाऊंगा, सो यहाँ पर जो मेरा एस आई विल बी नथिंग बट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, ओके? अच्छा, अब यहाँ पर एस आई भी गिवन है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैं आपको एक बार जो दिया है पहले, ठीक है, पॉइंट वाइज पहले वो बता लेता हूँ। तो दूसरा पॉइंट है कैली लेंड दिस सम टू रेक्सी एट द सेम, सो द सेम सम, अब मैं बात करता हूँ कैली और रेक्सी के बीच की, ठीक है, ये मैं आपको ब्लू से शो करता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ कैली और रेक्सी के बीच, सो द सेम सम इज़ गिवन टू रेक्सी, ठीक है, फॉर द सेम टाइम पीरियड, टी इज नथिंग बट 2 ईयर्स, बट द फॉर द सेम टाइम पीरियड बट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सी आई लिख रहा हूँ यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फंडा लगेगा, याद रखना। तो रिची और केली के बीच में जो ट्रांसेक्शन है वो सिंपल इंटरेस्ट वाला है, और फिर केली और रेक्सी के बीच में जो ट्रांसेक्शन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, ठीक है? तो अगेन, जो बच्चे नए हैं, प्लीज़ वॉच माई वीडियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट, ठीक है? फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके? तो सम इज़ सम यहाँ पर अगेन सेम, टाइम इज़ सेम, एट द सेम रेट भी कह रहा है, ठीक है, मैं अंडरलाइन करूँगा, एट सेम रेट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है? तो रेट कितना, यहाँ पर रेट, यहाँ पर सेम में कितना रेट है, आर परसेंट, ठीक है, ओके? अच्छा, नाउ व्हाट इज़ गिवन टू यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, इसका मतलब आफ्टर 2 ईयर्स केली रिसीव्ड 110 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 110 कंपाउंड इंटरेस्ट है केली को मिला है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 110, ठीक है, 110 इज कंपाउंड इंटरेस्ट। और एस आई कितना है, ओके, एस आई कितना है, बट पेड ₹100 है एज एस आई, केली ने एस आई कितना दिया रिची को, ₹100, ठीक है? बस पूरा क्वेश्चन तो हमने लिख लिया ऐसे,
ओके अब हमें क्या निकालना है, हमें पी निकालना है सम और रेट निकालना है आर कितना है। तो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, मुझे एक ही फॉर्मूला आता है। एस आई इज हाउ मच, एस आई इज 100 इज इक्वल टू पी, पी इज हाउ मच, पी इज पी ओनली, आर इज आर ओनली, टाइम इज टू अपॉन 100। ओके ठीक है, पहले हम येली कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है ये सी आई वाली कंडीशन बाद में देखेंगे। ओके और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 250, सो पी इंटू आर यहाँ से कितना आ जाएगा, पी इंटू आर विल बी 5000। ठीक है ये एस आई वाली कंडीशन है, पी और आर दोनों अननोन है, ठीक है पी एंड आर बोथ आर अननोन। अच्छा तो यहाँ से पी आर कैसा आया ये आपको समझ में आया। अब हम लोग सी आई वाली कंडीशन लगाते हैं, लेट्स यूज़, तो इस पी आर को मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे, ठीक है फर्दर कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे इसको हम लोग। ओके आप चाहो तो यहाँ से आर भी निकाल सकते हो, बहुत सारे फंडे हैं, आप चाहो यहाँ पर आर ऐसे भी निकाल सकते हो, आर विल बी नथिंग बट 5000 अपॉन पी, ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरी वाली सिचुएशन से, जो दूसरी वाली कंडीशन है, वहाँ से भी आर निकाल लो, दोनों रेट सेम है, दोनों को इक्वेट कर लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो यू कैन डू बोथ द वेज एज यू विश। तो चलो हमने यहाँ से पी आर निकाल लिया, अब हम लोग आगे वाली कंडीशन में चलते हैं, ठीक है। तो आगे वाली कंडीशन में हमें सी आई दिया है कितना, 110, सी आई वाली कंडीशन में चलते हैं। और सम तो कितना है, सम तो पी है, टाइम कितना है, टाइम वही है 2 ईयर्स, रेट कितना है, रेट तो वही है R%, ठीक है ओके। अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर सी आई हमें दिया है, तो यहाँ पर सी आई के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ता है, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट, तो अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू पी, ठीक है क्योंकि सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है ओके। तो ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। और n यहाँ पर टाइम अगर 2 ईयर्स है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड भी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ओके। क्योंकि यहाँ पर हमें कंपाउंडेड एनुअली भी नहीं दिया है, कंपाउंडेड क्वार्टरली कुछ भी नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट आप एनुअली मानते हो। ओके प्लीज़ वॉच सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फुल वीडियो, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी, चलो मैं पहले n लिख लेता हूँ फॉर्मूला, ठीक है इज इक्वल टू पी 1 + R/100 की पावर n, अमाउंट वी डोंट नो, प्रिंसिपल तो पी है, 1 + R ही है ये, अपॉन 100 की पावर n कितना है, 2 है। ओनली 3 क्वेश्चंस आर देयर, डोंट वरी। सो ए इज इक्वल टू पी, ये हो जाएगा 100 + R, ठीक है अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ओके इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, इफ आई विल सॉल्व दिस, दिस विल गोइंग टू कम ए इज इक्वल टू पी, ठीक है ऊपर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2AB करूँगा तो 2 × 100 × R, दैट विल गोइंग टू गिव मी 200R, ठीक है। डिनोमिनेटर में इट विल गोइंग टू बी 100 का स्क्वायर, ओके तो यहाँ से ए आ जाएगा ए। अब मैं पी को अंदर ले जा रहा हूँ, दिस विल गोइंग टू बी पी इंटू 100² प्लस R²P, इसको मैं R × RP लिख सकता हूँ, ठीक है R × R इज R², ठीक है R × RP या R × PR भी लिख सकता हूँ, प्लस दिस विल गोइंग टू बी 200 RP अगेन, ठीक है RP, RPR, PR एक ही चीज़ है क्योंकि उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है अपॉन 100² अपॉन 100² ओके। या बिफोर दिस आप ऐसा भी कर सकते हैं, इससे पहले, ठीक है ओ आई रेज्ड ऑल द, इसमें अरे मैंने तो सब इरेज कर दिया, इसमें अंडू का बटन नहीं है, बाय मिस्टेक एंड आई इरेज्ड, चलो कोई बात नहीं दोबारा कर लेते हैं, ठीक है ओके। तो मैं क्या कह रहा था, मैं यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो सी आई इज इक्वल टू अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 की पावर एन, फिर माइनस पी, एक साथ निकाल लेते हैं, इट विल बी बेटर फॉर अस टू कैलकुलेट, ठीक है।
सी आई मेरा 110 है, इसकी वैल्यू भी रख लेते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, पी कॉमन ले लेते हैं, पी कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी 1 + R/100 होल पावर 2 - 1, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ओके, पी वी हैव टेकन कॉमन, सो 110 इज इक्वल टू पी, तो इसको खोलेंगे तो दिस विल गोइंग टू गिव गिव अस 100 + R/100 स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, -1, ठीक है। ओके, शशांक कुमार क्या कह रहा है, सर प्लीज अंडरस्टैंड मी, अंडरस्टैंड मी, यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अरे देखते जाओ शशांक, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है, यू कैन रिवाइंड दिस क्वेश्चन लेटर ऑन, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी 110 इज इक्वल टू पी, अंदर सॉल्व कर लेता हूँ, दिस विल गोइंग टू बी 100² + R² ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होता है, तो 2 ये हो जाएगा 2AB, 200R/100² - 1, ठीक है। ओके, अगर आप 100² LCM लेते हो, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेते हैं, अगर आप दिस विल गोइंग टू बी 110 इज इक्वल टू पी, मैं पूरा LCM ले लेता हूँ 100², ठीक है, इफ़ आई टेक 100² LCM सो दिस विल गोइंग टू बी 100² + R² + 200R, माइनस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -100² आ जाएगा, ठीक है। तो इससे सबसे अच्छी बात क्या होगी, दैट 100² से 100² विल गेट कैंसिल, ओके, 100² से 100² कैंसिल हो गया, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब यहाँ पर ओके, ठीक है, अब यहाँ पर सो दिस विल गोइंग टू बी 110, ओके, सो 110 ठीक है इज इक्वल टू पी, ठीक है, पी को अंदर ले जाते हैं, सो दिस विल गोइंग टू बी P R² तो इसको P R × R कर देते हैं, P R² हो जाएगा, प्लस प्लस 200 PR, 200 P × R/100², ठीक है। ओके, लेट लेट पुट द वैल्यू ऑफ पी आर, वट इज़ द वैल्यू ऑफ पी आर, पी आर हमें मिला है 5000, ठीक है, तो 5000 रख लेते हैं, सो दिस विल बी 110 × 100² इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा तो पी आर की वैल्यू कितनी है, 5000 × R प्लस यहाँ पर 200 × 5000, ठीक है। ओके, और वी कैन टेक इवन पी आर कॉमन ऑल्सो, हम चाहें तो पी आर को कॉमन भी ले सकते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ से आपको आर निकालना है, सो इट विल बी वेरी इजी टू कैलकुलेट आर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दिस विल बी 110 × 100² 100² का मतलब होता है 100 × 100, ठीक है, इज इक्वल टू, इफ़ आई टेक 5000 कॉमन तो ये आ जाएगा R+200, ठीक है, तो 110 × 100 × 100/5000, सिंपल कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, दिस विल बी R+200, ठीक है। तो यहाँ से 3 0 तो पहले काट लीजिए आप, ठीक है, ऐसे, और 2 0 1 0 ये कटिए, ठीक है, सो दिस विल गोइंग टू बी 5 2s are 10, सो 110 × 2 विल बी 220, सो 220 इज इक्वल टू R+200, ठीक है। तो यहाँ से R कितना जाएगा, R विल बी 220 - 200, तो R यहाँ से आ गया 20%, ठीक है, एक तो हमने R निकाल लिया, सिंपल सी कैलकुलेशन है, इट्स नॉट सो टफ, ठीक है, लेकिन अच्छे से बताने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा आई हैव टेकन टाइम। ओके, तो यहाँ से रेट तो आ गया 20%, एक पार्ट तो हो गया, नाउ वट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट पी, अब आपको पता है पी आर इज इक्वल टू 5000 है ही, ठीक है, तो पी आर कितना है, 5000 है, ठीक है, तो पी कितना जाएगा, 5000 / R, प्रिंसिपल भी निकाल लेते हैं यहीं से, ठीक है, तो R आ गया, तो आपको पता ही है पी आर इज इक्वल टू 5000 विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, वहाँ से पी आ जाएगा 5000 / R, 20, 0 से 0 कैंसिल,
500 अपॉन 2 कितना आ गया, 250, ठीक है। सो 250 रुपीज़ कितना आ गया आपका प्रिंसिपल, वेरी इजी, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल भी आ गया कितना, 250। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके।